अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं मोहसिन जफर टीवी। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज मैं दोस्तों आपके लिए टॉप 7 ग्राफिक्स कार्ड जो है वो लेके आया हूं, जो कि आपको अंडर 30,000 रुपीज़ के बजट के अंदर जो है वो फैसलाबाद की पीसी मार्केट्स के अंदर देखने को मिल जाएंगे। और ये जो प्राइसेस होंगे दोस्तों, ये फैसलाबाद की रेक्स सिटी की प्राइसेस होंगी इन ग्राफिक्स कार्ड की, जो कि आपको अंडर 30,000 रुपीज़ के अंदर जो है ये टॉप 7 जो ग्राफिक्स कार्ड है जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ये इजीली आपको यूज़ कंडीशन के अंदर फैसलाबाद की पीसी मार्केट्स के अंदर देखने को मिल जाएंगे। और लाहौर के अंदर दोस्तों इन्हीं ग्राफिक्स कार्ड की प्राइसेस थोड़ी सी आपको डिफरेंट देखने को मिलेंगी, और उन प्राइसेस के बारे में भी मैं आपको साथ साथ जो है वो गाइड कर दूंगा इसी वीडियो के अंदर इन ग्राफिक्स कार्ड की। अगर आप लाहौर से बाय करना चाहते हैं तो आपको किस प्राइस के अंदर ये जो ग्राफिक्स कार्ड है टॉप 7 ग्राफिक्स कार्ड लाहौर में देखने को मिलेंगे, और अगर आप फैसलाबाद से ये ग्राफिक्स कार्ड बाय करना चाहते हैं तो फैसलाबाद की पीसी मार्केट्स के अंदर इनकी जो क्या प्राइसेस हैं वो आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन ये आपको अंडर 30,000 रुपीज़ के बजट के अंदर ही देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो उसमें सबसे पहले जो पहला ग्राफिक कार्ड है दोस्तों, ये AMD की तरफ से RX 550 का आ जाता है, जो कि आपको 4GB VRAM के साथ देखने को मिल जाता है। 128 bit का मेमोरी इंटरफेस इसके अंदर आपको देखने को मिलता है, और उसके अलावा यहाँ पे आपको GDDR5 VRAM इसके अंदर जो है वो टोटल देखने को मिल जाती है। और फैसलाबाद में दोस्तों रेक्स सिटी की इसकी लेटेस्ट प्राइस की बात करें इस ग्राफिक कार्ड की, तो ये आपको ऑलमोस्ट जो है वो 22,000 रुपीज़ के करीब जो है वो ये ग्राफिक कार्ड देखने को मिल जाएगा। और लाहौर में दोस्तों सेम इसी ग्राफिक कार्ड की जो प्राइस है ये आपको 25,000 रुपीज़ के करीब जो है वो देखने को मिलेगी। और इसकी जो गेमिंग की जो परफॉर्मेंस है ये भी आपको काफ़ी अच्छी और डिसेंट किस्म की देखने को मिलेगी इस ग्राफिक कार्ड को यूज़ करते हुए। आप 1080p मीडियम सेटिंग के ऊपर जो गेमिंग का एक्सपीरियंस है काफ़ी अच्छा जो है वो इन्जॉय कर सकते हैं, उसके अलावा एडिटिंग और रेंडरिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट ग्राफिक कार्ड आ जाता है, ये आ जाता है दोस्तों इसी का नेक्स्ट मॉडल है दोस्तों RX 560, और ये भी 4GB की ही, इसके अंदर आपको VRAM देखने को मिलेगी, GDDR5 की, 128 bit का मेमोरी इंटरफेस इस ग्राफिक कार्ड के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अब हम दोस्तों इस ग्राफिक कार्ड की प्राइस की बात करें फैसलाबाद की रेक्स सिटी की मार्केट के अंदर, तो ये जो आपको ग्राफिक कार्ड है यूज़ कंडीशन के अंदर 25,000 रुपीज़ के अंदर जो है वो देखने को मिल जाएगा। और लाहौर की पीसी मार्केट्स के अंदर इसी सेम ग्राफिक कार्ड की जो प्राइस है RX 560 की, ये आपको 28,000 रुपीज़ के करीब भी देखने को मिल सकता है। तो ये दोनों मार्केट्स की, दोनों सिटीज़ की जो पीसी मार्केट्स की जो प्राइस का डिफरेंस है ये भी मैं आपको साथ साथ जो है वो बताता जा रहा हूँ। और उसके अलावा इस ग्राफिक कार्ड के ऊपर भी आप 1080p मीडियम सेटिंग के ऊपर गेमिंग का जो काफ़ी अच्छा जो एक्सपीरियंस है वो आप इन्जॉय कर सकते हैं, उसके अलावा एडिटिंग और रेंडरिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट ग्राफिक कार्ड की बात करें जो कि हमारे अंडर 30,000 रुपीज़ के बजट के अंदर आता है दोस्तों, तो ये ग्राफिक कार्ड आ जाता है GTX 760, और ये आपको 2GB की VRAM ऑफर करता है, लेकिन इसका प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे आपको 256 bit का इसके अंदर मेमोरी इंटरफेस देखने को मिलता है, GDDR5 की VRAM देखने को मिलती है, और उसके अलावा गेमिंग का भी जो एक्सपीरियंस है काफ़ी अच्छा ये आपको 1080p पे प्रोवाइड कर देता है। उसके अलावा स्ट्रीमिंग, एडिटिंग और रेंडरिंग भी आप इसी सेम ग्राफिक कार्ड के ऊपर कर सकते हैं। अब हम दोस्तों अगर इसकी प्राइस की बात करें तो ये आपको फैसलाबाद की पीसी मार्केट्स के अंदर इसकी जो प्राइस है दोस्तों ऑलमोस्ट ये आपको 20,000 रुपीज़ के करीब जो है वो यूज़ कंडीशन के अंदर देखने को मिल जाएगा। और अगर लाहौर की पीसी मार्केट्स की बात करें तो सेम यही ग्राफिक कार्ड आपको लाहौर में 22,000 से 23,000 रुपीज़ के करीब भी सेल होता हुआ नजर आएगा। तो इतना डिफरेंस आपको फैसलाबाद और लाहौर की पीसी मार्केट्स के अंदर देखने को मिल सकता है। उसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट ग्राफिक कार्ड की बात करें तो ये आ जाता है जो कि आपको अंडर 30,000 रुपीज़ के बजट के अंदर अवेलेबल हो सकता है। तो ये ग्राफिक कार्ड है दोस्तों GTX 960, और ये 4GB VRAM के साथ आपको ये देखने को मिलेगा। इसके अंदर आपको 2GB VRAM वाला वेरियंट भी देखने को मिलता है, लेकिन मैं आज आपको 4GB VRAM की जो प्राइस है वो आपको बताऊंगा। इसके अंदर भी आपको GDDR5 VRAM देखने को मिलती है, 128 bit का मेमोरी इंटरफेस देखने को मिल जाता है, और ये जो ग्राफिक कार्ड है ये भी आपको अच्छी किस्म की जो 1080p पे गेमिंग का एक्सपीरियंस है वो प्रोवाइड कर देता है। उसके अलावा स्ट्रीमिंग, एडिटिंग और रेंडिंग भी आप इसी ग्राफिक कार्ड को यूज़ करते हुए इजीली कर सकते हैं। इसकी जो प्राइस दोस्तों फैसलाबाद की पीसी मार्केट्स के अंदर चल रही है 4GB वेरिएंट की GTX 960 की, ये आपको 28,000 रुपीज़ के करीब देखने को मिल सकता है। और अब हम लाहौर की पीसी मार्केट्स की बात करें GTX 960 की, तो वहाँ पर इसकी जो प्राइस है 4GB वेरिएंट की ये आपको 32,000 से 33,000 और इवन 35,000 के करीब भी इसी सेम ग्राफिक कार्ड की जो प्राइस है वहाँ पर देखने को मिल सकती है यूज़ कंडीशन के अंदर। तो इतना डिफरेंस आपको दोनों मार्केट्स के अंदर जो है वो सिटीज़ की देखने को मिल सकता है। और उसके बाद दोस्तों अब हम नेक्स्ट ग्राफिक कार्ड की बात करें जो कि आपको 30,000 रुपीज़ के बजट के अंदर अवेलेबल हो सकता है, तो ये दोस्तों आ जाता है AMD की तरफ से HD 6870, और ये इसके अंदर आपको 2GB की VRAM देखने को मिलती है, GDDR5 की, और इसका दोस्तों प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे आपको 256 bit का मेमोरी इंटरफेस जो है वो देखने को मिल जाता है। और दोस्तों ये जो ग्राफिक कार्ड है ये आपको
फैसलाबाद के अंदर जो है वो ऑलमोस्ट 18,000 पीस के करीब जो है वो यूज कंडीशन के अंदर देखने को मिल जाता है पीसी मार्केट्स के अंदर, और इसी सेम ग्राफिक कार्ड की लाहौर के पीसी मार्केट्स के अंदर आपको जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट 20,000 पीस के करीब भी देखने को मिल सकती है। और ये भी जो ग्राफिक कार्ड है दोस्तों आपको गेमिंग का जो एक्सपीरियंस है 1080p मीडियम सेटिंग के ऊपर काफ़ी अच्छा जो है वो प्रोवाइड कर देता है, और उसके अलावा इसके ऊपर आप एडिटिंग और रेंडरिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट ग्राफिक कार्ड की बात करें जो कि आपको अंडर 30,000 पीस के बजट के अंदर मिल सकता है, तो ये दोस्तों आ जाता है हमारा बहुत ही फेमस और पॉपुलर किस्म का ग्राफिक कार्ड है GTX 750 Ti, और इसके अंदर आपको 2GB की वीरम देखने को मिलती है, GDDR5 की और 128 bit का मेमोरी इंटरफेस जो है वो भी देखने को मिल जाता है। इसकी जो दोस्तों गेमिंग की परफॉर्मेंस की बात करें तो ये आपको भी डिसेंट किस्म की गेम की जो परफॉर्मेंस है ऑफर कर देता है 1080p मीडियम सेटिंग के ऊपर, और उसके अलावा इसी ग्राफिक कार्ड को यूज़ करते हुए आप स्ट्रीमिंग एडिटिंग और रेंडरिंग भी कर सकते हैं। अब हम दोस्तों अगर इस ग्राफिक कार्ड की फैसलाबाद की पीसी मार्केट के अंदर प्राइस की बात करें तो ये ऑलमोस्ट आपको 17,000 पीस से लेकर मैक्सिमम 17,500 के करीब देखने को मिल सकता है, और लाहौर की पीसी मार्केट्स के अंदर इसी सेम ग्राफिक कार्ड की जो प्राइस है GTX 750 Ti की, ये आपको ऑलमोस्ट 19,000 या 90,500 के करीब भी देखने को मिल सकता है। तो इतना डिफरेंस जो है वो आपको दोनों पीसी मार्केट्स के अंदर फैसलाबाद लाहौर की देखने को मिल सकता है सेम ग्राफिक कार्ड की प्राइस के अंदर। लेकिन ये ग्राफिक कार्ड दोस्तों ओवरऑल ओवर प्राइस है, और मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ग्राफिक कार्ड जो है वो बाय करें गेमिंग के लिए। उसके अलावा दोस्तों अब हम लास्ट ग्राफिक कार्ड की बात करें जो कि हमारा अंडर 30,000 पीस के बजट के अंदर आपको पीसी मार्केट्स के अंदर इजीली देखने को मिल जाता है फैसलाबाद की, तो ये ग्राफिक कार्ड दोस्तों आ जाता है GTX 660, और ये भी दोस्तों 2GB की वीरम आपको ऑफर करता है GDDR5 की, और उसके अलावा इसका जो मेमोरी इंटरफेस है ये आपको 192 bit का देखने को मिलता है, और इसकी जो परफॉर्मेंस है दोस्तों वो आपको 750 Ti से बेटर देखने को मिलती है गेमिंग के अंदर, और ये आपको 1080p मीडियम सेटअप के ऊपर जो गेमिंग का काफ़ी अच्छा जो एक्सपीरियंस है वो प्रोवाइड कर देता है। उसके अलावा स्ट्रीमिंग एडिटिंग रेंडिंग भी आपको काफ़ी अच्छी करवा देता है, उसके अलावा तमाम गेम जो है ये इजीली रन कर देता है। अब हम दोस्तों अगर इसकी फैसलाबाद की पीसी मार्केट के अंदर प्राइस की बात करें तो ये आपको 16,500 से लेकर मैक्सिमम 17,000 प्राइस रेंज के अंदर जो है वो फैसलाबाद की पीसी मार्केट के अंदर ये जो ग्राफिक कार्ड है GTX 660 आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है यूज कंडीशन के अंदर। और इवन अगर आप इसी ग्राफिक कार्ड की लाहौर की पीसी मार्केट्स के अंदर प्राइस की बात करें तो ये सेम ग्राफिक कार्ड जो है GTX 660 लाहौर में आपको पीसी मार्केट्स के अंदर 19,000 के करीब जो है वो भी सेल होता हुआ नजर आएगा। तो इतना डिफरेंस आपको दोनों लाहौर और फैसलाबाद की पीसी मार्केट्स के अंदर प्राइस का जो है देखने को मिल सकता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा अगर आपने ये टॉप 7 ग्राफिक्स कार्ड जो है दोस्तों बाय करने हैं अंडर 30,000 के बजट के अंदर, तो मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि आप फैसलाबाद की रैक सिटी की पीसी मार्केट्स के अंदर से ये जो टॉप 7 ग्राफिक कार्ड है आज के आप बाय कर सकते हैं इजिली, और काफ़ी चीप प्राइस के अंदर जो है वो बाय कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू लाहौर की जो पीसी मार्केट्स है वहाँ पे इन ग्राफिक्स कार्ड की सेम ग्राफिक कार्ड की प्राइसेस जो है आपको थोड़ी ज़्यादा जो है वो देखने को मिलेंगी। तो ये दोस्तों आज के हमारे टॉप 7 ग्राफिक कार्ड थे जो कि अंडर 30,000 के बजट के अंदर जो है वो फैसलाबाद की पीसी मार्केट्स के अंदर और इवन लाहौर की पीसी मार्केट्स के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आई होप दोस्तों आपको आज की वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल मोशन जफर टीवी को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए, और उसके अलावा हमारी वीडियोज़ को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नई वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।